आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कांग्रेस के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही रहेंगे। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालेंगे। बता दें कि पार्टी में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए छठी बार चुनावी मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद के लिए रेस हो रही है। बता दें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़गे और थरूर में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। 9000 वोटर खड़गे और थरूर की किस्मत तय करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़गे और थरूर में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें मयूरी, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में तो छठी बार अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। साथ ही आपको बताएं कि देखा जाए तो 22 सालों के बाद जो अंतिम अध्यक्ष है फिलहाल सोनिया गांधी, उनकी 22 साल का उनका कार्यकाल था वो समाप्त हो जाएगा। और आपको बताएं कि आज अध्यक्ष पद का मतदान शुरू हो गया है और 10 बजे से तमाम जो पीसीसी के देशभर के जो कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के मेंबर्स है वो आज अध्यक्ष पद का चयन कर रहे हैं। आपको बताया कि अगर प्रमुखता से देखें तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक, 3 बार सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही उनके विपक्ष में जो विदेशों में अपनी पहचान अलग रखने वाले, साथ ही साथ देखें तो तमाम ऐसे जगहों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले शशि थरूर मैदान में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दो तरह के नेता अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए मैदान में है। वही अगर बात की जाए तो ये दोनों नेता जो देश है उसके अलग अलग राज्यों में जाकर पीसीसी मेंबर से अपना समर्थन मांगने के लिए वो गए हुए थे। और कल राजधानी लखनऊ बात की जाए तो शशि थरूर भी आए थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ इस चुनाव में जीत कांग्रेस की होगी और दोनों जो कैंडिडेट है वो उन्हीं में से कोई जीतेगा और वही कांग्रेस को आगे जो बागडोर है उसको संभालेगा। साथ ही आपको बताएं कि इस अध्यक्ष चुनाव को जब देखें तो दोनों जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस में लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और कांग्रेस में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हैं। वही अगर देखा जाए तो लगभग 9000 पीसीसी के मेंबर और उत्तर प्रदेश में बात करें तो 1250 पीसीसी के मेंबर आज अध्यक्ष पद का चुनाव में हिस्सा लेंगे। 10 बजे से 4 बजे तक वोटिंग चलेगी और वोटिंग के बाद अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और आज दिल्ली में वोट करेंगे। वही भारत जोड़ो यात्रा अभी अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाला गया है तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जिस राज्य में है वहां पे अपने मतों का अधिकार करेंगे। साफ तौर से देखा जाए तो जो भी अध्यक्ष होगा उसके लिए कहीं ना कहीं एक कड़ा चुनौती होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर देखे तो 7 से 8 सालों में जो उसका राजनीतिक पतन है उसको संभालने का जिम्मा उसको मिलेगा और साथ ही साथ संगठन को एक बार फिर विस्तृत रूप से एक जो मजबूती के साथ आगामी चुनाव और साथ ही साथ जो 2024 चुनाव को लेकर तैयार करना होगा। तो कहीं ना कहीं मयूरी अगर देखा जाए तो अध्यक्ष पद का चुनाव एक कांग्रेस पार्टी के अंदर में बड़ा चुनाव होता है और 22 सालों के बाद हुआ है और 137 साल के इतिहास में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव पहली बार हो रहा है। अगर इतिहास के झलकों को हम संभाल लें तो एक वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था, उसपे पीसीसी के जो सदस्य थे उनके द्वारा चयन किया गया था और उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसी प्रक्रिया को आजादी के आज 75 साल हो चुके हैं उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसी प्रक्रिया को शुरुआत की जा रही है और उसी पे काम किया जा रहा है। जी
विवांशु, कांग्रेस को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मयूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर में गांधी परिवार का एक अलग ही वर्चस्व रहा है, और कहीं ना कहीं देखे तो अब गांधी परिवार का जो टैग लगा हुआ था उससे निजात मिलते हुए भी नजर आ सकता है। इसका एक फायदा ये भी होगा मयूरी, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के हाल फिलहाल में, उसमें अगर देखा जाए तो हमेशा कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, और इस आरोप में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी बसते हुए नजर आएगी। और ये बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर देखा जाए तो के ह्यूम के द्वारा बनाया गया, और उस वक्त की अगर बात की जाए तो 1897 में इस पार्टी का गठन हुआ और पूरी तरह से ये आजादी की लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ भारत की अगर इतिहास की बात करें, राजनीतिक इतिहास की, तो एक प्राचीन पार्टी की तौर पर अपनी अलग पहचान करता है। तो अब अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी इस जो कांग्रेस के तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं उनका भी कहना था कि कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष पद का चुनाव करके और नए अध्यक्ष की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि 2024 चुनाव नजदीक है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अध्यक्ष पद की अगर बात करें वोटिंग की, तो दिल्ली स्थित पार्टी के हेडक्वार्टर पर सबसे अधिक मतदाता है, क्योंकि अगर देखें तो देश भर में कुछ 68 जगह पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं कांग्रेस अपने सेवा दल के जो तमाम कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनकी निगरानी में ये पूरी वोटिंग हो गई है। और अगर बात करें तो वोटिंग के बाद 19 अक्टूबर को बक्से खोले जाएंगे, और जिस उम्मीदवार के 50% से ज्यादा मतदान अगर के पक्ष में हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उसे विजेता घोषित किया जाएगा। मगर बात करें तो कल शशि थरूर लखनऊ आए थे, तो साफ तौर पर देखा कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से 9 बार के विधायक वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने शशि थरूर का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को पुनः जीवित करने का शब्द को बोल कर गए हैं, उन्हें वापस लेना चाहिए शब्द को। और उनका साफ तौर से कहना था कि कांग्रेस पार्टी देश के इतिहास पे अगर बात करें तो आजाद भारत का एक जो आजाद आसमान दिखाने का काम है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ, साथ ही साथ त्याग बलिदान कांग्रेस पार्टी ने दी है। और उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने, प्रमोद तिवारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कहा कि गांधी परिवार ने अपने जान की जान गंवाई है देश के लिए और पार्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर देखे तो पुनर्जीवित शब्द अच्छा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि साफ तौर से कांग्रेस पार्टी के मल्लिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिका अर्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता है और लंबे अवधि का उनका राजनीति के अगर देखे तो पारी है और वो उनके प्रस्तावक है। और उन्होंने कहा कि मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ और लगभग 90% लोग मल्लिका अर्जुन खड़गे पर विश्वास अपना जता सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं देखा पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया का ध्यान रखते हुए शशि थरूर और मल्लिका अर्जुन खड़गे पूरे देश भर के अगर देखे तो अलग अलग राज्यों में गए थे, अपना समर्थन मांगे थे और कल वो भी समर्थन मांगे। और उनका शशि थरूर की तरफ से अगर देखा जाए तो साफ तौर से कहना था कि माननीय अंतिम अध्यक्षा का कहना यानी कि सोनिया गांधी का कहना है चुनाव निष्पक्ष हो और पारदर्शिता के साथ, और किसी कैंडिडेट का कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का समर्थन नहीं है बड़े नेता का, और ये पूरा चुनाव अगर देखे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अध्यक्ष पद के लिए एक इकलौता उम्मीदवार घोषित नहीं है। ये खुली एक पेटिका थी जिसपे सभी जो इच्छुक थे वो अपने अध्यक्ष पद का उम्मीदवारी की अगर देखे तो पर्चा भर सकते थे। जी विवांशु, अध्यक्ष पद की वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो मतदान केंद्रों पर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मयूरी तो साफ तौर से ये चुनाव कांग्रेस के भीतर का चुनाव है, और इस चुनाव के अंदर में कोई निर्वाचन आयोग का अधिकारी या कर्मचारी नहीं लगा होता है। और जो अगर आम चुनाव में हो, धन्यवाद विवांशु हमसे जुड़ने के लिए।
राजधानी लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शिरकत करेंगे। कई बड़े पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि शाम 4 बजे ये बैठक होगी, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बन सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, राजधानी लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, मैं भी आपको बता दें कि साल के अंत और नए साल के शुरुआती महीनों में निकाय चुनाव होना है और माना जा रहा है कि जल्द ही इलेक्शन कमीशन अपनी तिथियों का ऐलान कर देगा। वहीं आपने देखा कि जब कैबिनेट बैठक हुई बीते हफ्ते, तो उसके अंदर में नगर विकास मंत्री जी के शर्मा ने तमाम जो विकास नगर जो नगर निगम है या नगर पंचायत है या नगर पालिका है, उसको परिसीमन कर कुछ नए वार्डों बनाने की बात कही और कहा कि ऐसे कई सारे अगर देखे तो लखनऊ के अंदर में ही कई वार्डों को जोड़कर एक नया वार्ड बनाया गया है और परिसीमन की प्रक्रिया जब संपन्न होती है उसके ठीक बाद इलेक्शन कमीशन अपने तिथियों का ऐलान कर देगा। उसी पर मैं आपको बता दें कि जहां सभी पार्टियां अपने राजनीति के अगर देखें तो कमर कस ली है आगामी चुनाव को लेकर, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी आज अपने मुख्यालय पर 4 बजे निकाय चुनाव को लेकर बैठक कर रही है। इसमें अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। साथ ही अगर बात की जाए तो सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत अगर देखें तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे जो हाल फिलहाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक अगर देखें तो अगर सफलता दिलाने बड़ा योगदान दिए हैं। वो सभी कार्यकर्ता आज मौजूद रहेंगे और निकाय चुनाव को लेकर बैठक की जा सकती है। साथ ही साथ आपको बताया कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो निकाय चुनाव इस बार सिंबल पे लड़ने की हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को तलाशना भी शुरू करेगी जो जिताऊ हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका एक सर्वे की जो तमाम एजेंसियां हैं, सर्वे की तमाम अगर टीमें हैं, वो सभी टीमें जो जिताऊ कैंडिडेट है उनकी तलाश में जुट जाएंगे। साथ ही आपको बताया कि कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव जो निकाय चुनाव को लेकर अभी से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो देखे तो अध्यक्ष से लेकर और पन्ना प्रमुख तक का पद है, तो जो तमाम पदे हैं पन्ना प्रमुख हो या अगर देखे तो वार्ड अध्यक्ष हो, तमाम जो पदे हैं उन सभी पदों पर जो लोग आश्रित हैं उनको निर्देश दिया जा सकता है कि आप जनता के बीच जाकर और जो सरकार की नीतियां हैं और उपलब्धियां हो उनको बताएं और समर्थन जुटाने का प्रयास करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 बजे की इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है और बैठक के अंदर में जो तमाम गणमान्य मौजूद होंगे उनकी तरफ से क्या फैसले दिए जाते हैं। जी जी विवांशु, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जा सकती है इस बैठक में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा सकता है और साथ ही साथ पन्ना प्रमुख, पर्चा प्रमुख और जो अगर देखे तो बूथ अध्यक्ष है, इन सभी पदों पर बैठे लोगों को जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए जा सकते हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसका आप चयन करें, उसको आप चुने और रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है उसको भेज लें। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो तमाम अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनको भी इस बात का निर्देश दिया जा सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कस लें और निकाय चुनाव को पूरी अगर देखें तो मजबूती के साथ लड़े और साथ ही अगर बात की जाए तो नए वोटर्स की जोड़ने की भी जो प्रक्रिया है उसमें राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं नए वोटर्स को ढूंढती है और उन्हें मतदाता बनवाने में कहीं ना कहीं उनका मदद करती है, तो ऐसे वोटर्स को ढूंढने का भी काम दिया जा सकता है। और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जहां उम्मीदवारों की होड़ लगी है तो कुछ ऐसे घोषणा भी कर सकती है कि किन्हें टिकट दिया जाएगा और क्या नॉर्म्स होंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ सभी राजनीतिक दल इस बार अपने सिंबल पर
मजबूती के साथ तमाम निकाय पदों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टी आप सर्वे करती है तो सर्वे की भी रिपोर्ट आई होगी, तो उस आधार पर जो तमाम ऐसी चीजें हैं, क्या चीजें जनता के बीच रखनी है, इस पर चर्चा होगी और ये पार्टी के भीतर के सभी पदाधिकारियों के साथ होगी। जी जी धन्यवाद भुवंसु तमाम जानकारियों के लिए। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद आज उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। आज नेताजी की अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया जाएगा। इसके लिए अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद होंगे। बता दें कि अब भी कई सपा समर्थक और तमाम राजनीतिक हस्तियां स्वर्गीय मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने सैफई जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, आज नेताजी की अस्थियों को हरिद्वार के गंगा जी में विसर्जित किया जाएगा। जी मयूरी, आज सपा के संरक्षक और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जिन्हें लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार के गंगा घाट से होना है। मयूरी, पहले ये कार्यक्रम हरिद्वार के वीवीआईपी घाट से होना था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले इतना है, उनके समर्थक इतना है, सपा के कार्यकर्ता इतना है कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ देखते हुए विसर्जन स्थल के कार्यक्रम को बदल के अब गंगा घाट असल पे कर दिया गया है। जी। और ऐसा बताया जा रहा है कि आज जो है 10:30 बजे सैफई हवाई अड्डे से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने परिवार के अन्य सदस्यों शिवपाल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव और भतीजे तेज प्रताप यादव, साथ ही परिवार के और भी लोगों के साथ देहरादून एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और वहां से वो लोग हरिद्वार के गंगा घाट पे जा रहे हैं और पूरे विधि विधान से ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। वही अगर बात की जाए तो रामगोपाल यादव जो है वो कल ही हरिद्वार पहुंच गए थे, क्योंकि उनको अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम की तैयारियां वगैरह के लिए अखिलेश यादव ने कल ही हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया गया था। इधर अगर देखने वाली बात है इसमें मयूरी, अखिलेश यादव अपने पिता का जो कर्मकांड है वो पूरे विद्वत रीति रिवाजों, हिंदू रीति रिवाजों, सनातन धर्म के रीति रिवाजों से कर रहे हैं। विवेक, अस्थि विसर्जन के दौरान कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, समाजवादी पार्टी के कौन से बड़े नेता मौजूद रहेंगे? जी, अस्थि विसर्जन के दौरान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, उनके चाचा शिवपाल यादव जो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है वो भी मौजूद होंगे। उन्होंने भी दाह संस्कार स्थल से अस्थियों को कलश में भरा था, परिवार के सभी सदस्य ने कलश में भरा था, वो मौजूद रहे। रामगोपाल यादव वहाँ पहले ही पहुंच गए हैं, परिवार के अन्य सदस्य जो है, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, वो सारे मौजूद रहेंगे और तमाम बड़े नेताओं की आने की उम्मीद है मयूरी। उधर अगर बात की जाए तो पूरे हिंदू रीति रिवाज से अखिलेश यादव ने अब तक जो है अपने पिता के कर्मकांड को निभाते हुए, चाहे दाह संस्कार हो और ये विसर्जन स्थल पे जाके उनकी अस्थियों को प्रवाहित करने का तरीका हो, उन्हें विधिवत विधि विधान से जो है निभाने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक भरपूर तरीके से निभाते आए हैं। इसके लिए उनकी सारी जिम्मेदारी उन्हें रामगोपाल यादव को पहले ही दे दी थी और वो एक दिन पहले ही हरिद्वार पहुंच गए थे। अस्थि विसर्जन के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आज ही जो है पूरा परिवार जो है अखिलेश यादव समेत जितने भी लोग वहाँ उपस्थित होंगे आज ही के लिए सैफई लौट जाएंगे। मयूरी, आज अस्थि विसर्जन होगा, विवेक फिर आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? जी, अस्थि विसर्जन के बाद जो है अखिलेश यादव सभी जितने भी वहाँ के गणमान्य लोग मौजूद होंगे, परिवार सदस्य मौजूद होंगे, वापस सैफई ही चले जाएंगे। बाकी हिंदू धर्म में 13वीं का एक कार्यक्रम होता है निधन के 13 दिन बाद, लेकिन सैफई में काफी अर्सों से 13वीं मनाई नहीं जाती है। वहाँ एक उनका एक अलग रीति रिवाज चलता है की किसी के मरने पे भोज ना कराने का, तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव ने सैफई की परंपरा को निभाने का काम किया है और मुलायम सिंह यादव जी की 13वीं नहीं होगी। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
निज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।